हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 25th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज वाउंड ऑन अ कास्ट आयरन रिंग, द मीन लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर डायमीटर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 2 एम्पियर विच प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 4 मिलीवेबर इन द एयर गैप विच इज 2 mm लेंथ, कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स एन इफ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कास्ट आयरन इज 1000। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे एज अ गिवन डाटा, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा गिवन डाटा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो गिवन में क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज वाउंड ऑन अ कास्ट आयरन रिंग, द मीन लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। देखो मीन लेंथ दिया है, मीन लेंथ यानी ही मीन सरकमफेरेंस, और आप इसको L से शो कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे L, कितना 50 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में दिया है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻²⁰ मीटर। हमेशा ध्यान में रखो, मैग्नेटिक सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कोई भी यूनिट अगर सेंटीमीटर में दिया है या मिलीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है, ठीक है। और यूनिट कन्वर्जन ऐसे में आपको पता होना चाहिए। ये यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना वो हमने मैग्नेटिक सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वो आप लेक्चर देख लीजिएगा, उससे आपका यूनिट कन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने मीन लेंथ यानी मीन सरकमफेरेंस यहां लिख लिए। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर डायमीटर लिखा है, इसका मतलब ये स्मॉल डी दिया है, कितना 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम फिर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 × 10⁻²⁰ मीटर इस तरह से, ठीक है। ये दिया है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ये इनर डायमीटर दिया है। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 2 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में से, तो ये आई दिया है, दैट इज 2 एम्पियर, ओके। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है इट प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 4 मिलीवेबर। देखो फ्लक्स दिया है, फ्लक्स को फाइ से शो करते हैं, और ये 4 मिलीवेबर दिया है, मिलीवेबर है तो इसका मतलब × 10⁻³ वेबर, ठीक है। तो इसके यहां पे × 10⁻³ करना जरूरी है और वेबर, ठीक है, इस तरह से। आगे पढ़ेंगे इन द एयर गैप विच इज 2 mm लेंथ। देखो एयर गैप का लेंथ दिया है तो इसका मतलब ये LAG दिया है, लेंथ ऑफ एयर गैप, दैट इज LAG, कितना 2 mm लेंथ। तो यहां पे ये mm में दिया है तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हम लिखेंगे 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, ओके। तो ये हमने लेंथ ऑफ एयर गैप यहां पे लिख लिए। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स एन, हमें एन का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है, और रिलेटिव परमेबिलिटी आगे दिया है कितना 1000, रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर, ये दिया है 1000, और क्या फाइंड आउट करना है एन, तो वो हमने यहां लिख लिए, एन फाइंड आउट करना है। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा गिवन डाटा आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि ये गिवन डाटा कैसे लिखे ये आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है एन। तो ये एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से फार्मूलेज यूज करना पड़ेगा, वो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो एयर गैप का प्रॉब्लम है। देखो मैग्नेटिक सर्किट में 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, पहला होता है एन आयरन रिंग विदाउट एयर गैप की प्रॉब्लम, और दूसरा होता है आयरन रिंग विथ एयर गैप की प्रॉब्लम। तो ये विथ एयर गैप का प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पे देखो एयर गैप का लेंथ दिया है, तो अगर ये एयर गैप का प्रॉब्लम है तो हमने इसके पहले ये एयर गैप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट लिख के दिए थे। वो फिक्स फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम जिसमें एयर गैप हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिक्स फॉर्मेट में आपको 3 चीजें निकालना होता है, पहला एटी फॉर मटेरियल, दूसरा एटी फॉर एयर गैप, और तीसरा टोटल एटी। ये कोई भी प्रॉब्लम में सॉल्व करना हो, चाहे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना हो, या करंट फाइंड आउट करना हो, या फ्लक्स फाइंड आउट करना हो, या फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करना हो, या रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड आउट करना हो, कुछ भी अगर फाइंड आउट करना हो तो आपको वही फिक्स फॉर्मेट के थ्रू चलना है और प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है। आपका प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वो फिक्स फॉर्मेट पूरा करना पड़ेगा। तो वो फिक्स फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, वो हमने इसके पहले मैग्नेटिक सर्किट के लेक्चर नंबर 22 में बताए थे।
हमारे YouTube चैनल पे मैग्नेटिक सर्किट ये प्लेलिस्ट को विजिट करो और उसमें लेक्चर नंबर 22 स्टडी करो, उसमें आपको ये फिक्स फॉर्मेट मिल जाएगा और ये फिक्स फॉर्मेट आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखो। ये फिक्स फॉर्मेट से आप कोई भी मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम विथ एयर गैप का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम भी उसी के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो फिक्स फॉर्मेट में जैसा हमने कहा पहला स्टेप क्या होता है, 84 मटेरियल। लेकिन ये पहला स्टेप लिखने के पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इनर डायमीटर दिया है, इसके थ्रू हमें एरिया मिलता है। तो चलो पहले हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4, डी यानी इनर डायमीटर ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे डी हमें पता है 4 × 10⁻², ठीक है। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे पाई, और ये 4 × 10⁻², और इसका होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 4। अब इसके थ्रू हमें पहले एरिया मिल जाएगा, तो चलो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आंसर आएगा 1.256, तो हम लिख लेंगे 1.256 × 10⁻³, इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमने पहले एरिया फाइंड आउट कर लिए, और अब फाइनली फिक्स फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे जो हमने आपको फिक्स फॉर्मेट की बात की थी। तो चलो अब वो फिक्स फॉर्मेट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या बताए थे, 84 मटेरियल। तो ये हम लिख लेंगे 80 यानी ही MMF, तो ये हम लिख लेंगे 84 मटेरियल। ये है पहला स्टेप, ठीक है, फिक्स फॉर्मेट का पहला स्टेप 84 मटेरियल यानी ही MMF फॉर मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में 84 मटेरियल ऐसा लिखा है तो कुछ बुक्स में MMF फॉर मटेरियल ऐसा लिखा है। MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसका यूनिट होता है 80, ठीक है। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में 84 मटेरियल पढ़ा रहे तो आप एग्जाम में भी लिखते समय 80 लिखो, और अगर आपके कॉलेज में MMF फॉर मटेरियल ऐसा पढ़ा रहे तो आपको एग्जाम में भी MMF फॉर मटेरियल ऐसा ही लिखना है, ये आप ध्यान में, ठीक है। तो ये हम पहला स्टेप यहां पे लिख रहे हैं 84 मटेरियल, और अब इसके अंदर हमें तीन स्टेप यहां पे सॉल्व करना है। पहला है B, दूसरा है H, और तीसरा है 80। तो चलो वो हम यहां पे लिख लेंगे। पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, B यानी फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है phi by A, ठीक है। तो phi और A का वैल्यू हमें पता है, देखो ये है phi का वैल्यू, तो हम लिख लेंगे 4 × 10⁻³ मिली वेबर के फॉर्म में था, और A यानी एरिया, तो एरिया हमने फाइंड आउट किए थे 1.256 × 10⁻³, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, देखते हैं कि यहां पे बी का वैल्यू क्या मिलता है। तो हम यहां पे बी लिख लेंगे, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए। तो ये होगा 4 बाय 1.256, तो ये आ चुका है दैट इज 3.184। तो ये हम लिख लेंगे 3.184, और इसका यूनिट रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने बी फाइंड आउट कर लिए, 84 मटेरियल का पहला स्टेप ये सॉल्व हो गया, ठीक है। और अब बी के बाद होता है एच, एच यानी फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये हम लिख लेंगे एच, और एच का वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है बी बाय μ₀ × μr, ठीक है। फिक्स फॉर्मेट में यहाँ पे 84 मटेरियल में सेकंड चीज हम लोग निकाल रहे हैं बी बाय μ₀ × μr, और अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करना है। तो बी का वैल्यू हमें पता है 3.184, ये बी का वैल्यू दैट इज फ्लक्स डेंसिटी। देन μ₀ × μr, μ₀ ये स्टैंडर्ड होता है 4π × 10⁻⁷, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ठीक है, इंटू μr यानी 1000। μr हमें गिवन डाटा से मिल जाएगा, ये देखो μr का वैल्यू 1000। ये जो μ₀ का वैल्यू है हमेशा आपको यही यूज करना है, और पाई के जगह आपको पाई का सिंबल बराबर लिखना है। बस अब इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो ये हम लिख लेंगे 3.184 / 4π × 10⁻⁷, ठीक है, और इंटू 1000। तो ये आ चुका है 2533.746, तो ये हमें H मिल गया। जस्ट अ मिनट, क्या मिला, दैट इज 2533.746, इसका यूनिट रहेगा 80 पर मीटर। तो ये हमने H का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब 84 मटेरियल में ये हमने सेकंड स्टेप को यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। हमने कहा था 84 मटेरियल में तीन स्टेप्स रहेंगी, पहला B, दूसरा H, और अब तीसरा है 80। तो चलो तीसरा स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड स्टेप, इसको हम कहेंगे ATM, ठीक है। तो ATM, तो 80 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज करना है H × L, ठीक है। तो यहाँ पे H और L हमें पता है, देखो H का ये वैल्यू है और L यानी मीन लेंथ, ये हमें गिवन डाटा से मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 2533.746 × 50 × 10⁻², ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या आता है।
तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 2533.746 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये आ चुका है 1266.873, इसका यूनिट रहेगा 80 का यूनिट 80, तो ये हमने 80 फॉर मटेरियल फाइंड आउट कर लिए। आप यहां पे MMF फॉर मटेरियल ऐसा भी यहां पे लिख सकते हैं, जैसा हमने कहा 80 और MMF दोनों एक ही है, तो आप यहां पे MMF लिखो तो भी चलेगा। 1266.873 ये हमें यहां पे पहला स्टेप दैट इज 80 फॉर मटेरियल हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, 80 फॉर मटेरियल। और अब दूसरा स्टेप रहेगा 80 फॉर एयर गैप, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में तीन स्टेप्स कहा था, 80 फॉर मटेरियल, 80 फॉर एयर गैप और लास्ट में टोटलिटी, ठीक है। तो अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे दूसरा स्टेप दैट इज 80 फॉर एयर गैप। तो चलो ये हम स्टार्ट करेंगे 80, या नहीं ब्रैकेट में आप चाहे तो MMF लिख सकते हैं, ठीक है, 80 फॉर दैट इज एयर गैप, 80 फॉर एयर गैप। तो ये सेकंड स्टेप है, और अब ये 80 फॉर एयर गैप के अंदर भी इसके अंदर तीन स्टेप्स है, जैसे 80 फॉर मटेरियल के अंदर तीन स्टेप्स है बी एच और 80, उसी तरह से 80 फॉर एयर गैप के अंदर भी यही तीन स्टेप्स आएंगी, बी एच और 80। तो चलो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी, लेकिन बी आपको अब डबल से निकालने की जरूरत नहीं है, बी यानी फ्लक्स डेंसिटी ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए थे, इसी का आपको यहां पे यूज करना है। तो हम यहां पे लिख लेंगे 3.184 ऐसा है, तो हम यहां पे लिख लेंगे बी का वैल्यू 3.184, इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बी हमने पहले स्टेप से ही यहां पे ले लिए, और अब सेकंड होता है एच, सेकंड एच ये अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप कहेंगे एच जो हमने यहां पे यूज किए थे हमने उसी को यहां पे लिखना है, नहीं आपको ये एच यहां पे लिखना नहीं है, ये जो एच है उसमें हमने म्यू आर का यूज किए थे, जबकि यहां पे जो एच रहेगा उसमें आप म्यू आर का यूज कर नहीं सकते, क्योंकि आप एयर गैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और रूल ये है कि एयर गैप के लिए हमेशा एयर के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको एच अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, फार्मूला रहेगा बी बाय म्यू जीरो, यहां पे अब म्यू आर नहीं रहेगा, देखो फार्मूला था बी बाय म्यू जीरो म्यू आर, लेकिन यहां पे म्यू आर नहीं रहेगा क्योंकि म्यू आर का वैल्यू हमेशा एयर के लिए 1 होता है। बस यहां पे अब यहां पे बी और म्यू जीरो का वैल्यू पुट अप करो, 3.184 और ये डिवाइडेड बाय 4π × 10⁻⁷। तो इसका आंसर हम यहां पे लिख लेंगे जो इसके पहले था वही 2533.746, लेकिन इसमें इंटू 10⁻³ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो इसके पहले एच निकाले थे वही है यहां पे, बस इसको इंटू 10⁻³ से यहां मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने 80 पर मीटर इसका यूनिट लिख लो, तो ये हमने H का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, H दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, 80 फॉर एयर गैप का सेकंड स्टेप ये सॉल्व हो गया, ठीक है। और अब थर्ड, ठीक है, B हो गया, H हो गया, और थर्ड होता है 80, तो ये हम यहां पे लिख लेंगे थर्ड दैट इज 80 AG, इसको हम कहेंगे 80 AG, या फिर आप MMF AG ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो यहां पर फार्मूला रहेगा एच इंटू LAG, इसके पहले क्या फार्मूला था देखो, यहां पे ATM के टाइम फार्मूला था H इंटू L, ठीक है। यहां पे जो है L जो है वो हमने मटेरियल का यूज किए, जो मटेरियल का जो रिंग का जो लेंथ दिया था उसका हमने यूज किए, लेकिन यहां पे एयर गैप के लिए 80 निकाल रहे, तो यहां पे लेंथ जो है वो एयर गैप का यूज करना है, तो एयर गैप का यूज करना है, तो देखो एयर गैप का लेंथ 2 mm था, तो हम यहां पे वैल्यूज पुट कर लेंगे एच इंटू LAG, तो एच का वैल्यू है 2533.746 इंटू 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³, ठीक है। तो बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं कि ये आंसर क्या आता है। तो ये हम लिख लेंगे इंटू 2 × 10⁻³, तो ये आ चुका है 5067, हम लिख लेंगे 5067 पॉइंट ये आ चुका है 493, तो हम लिख लेंगे 493, इसका यूनिट रहेगा 80 का यूनिट 80। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, 80 AG यानी 80 फॉर एयर गैप, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। तो दो स्टेप्स हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में तीन स्टेप्स की जानकारी दी थी, पहला था 80 फॉर मटेरियल, वो 80 फॉर मटेरियल ये है, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिए 80 फॉर मटेरियल। दूसरा होता है 80 फॉर एयर गैप, तो ये देखो 80 फॉर एयर गैप हमने सॉल्व कर लिए और इसके थ्रू हमें ये 80 AG मिला। और अब है तीसरा लास्ट जो कि है टोटल 80, तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों 80s को ऐड करना है, 80 फॉर मटेरियल और 80 फॉर एयर गैप दोनों को ऐड करो, टोटल 80 मिलेगा, और टोटल 80 का यूज करके फिर आप यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n जो फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ये अब हम लिखेंगे यहां पे थर्ड स्टेप जो कि है टोटल 80, ठीक है, टोटल 80 यानी टोटल MMF। तो ऐसे में हमें दोनों 80s को ऐड करना है, 80 फॉर मटेरियल और 80 फॉर एयर गैप, दोनों 80 को हम ऐड करेंगे, तो ये हमने लिखा है टोटल 80 ATM + 80 AG, ठीक है। तो ATM वो हमने फाइंड आउट किए थे, तो वो हम यहां पे लिख लेंगे
1266.873 प्लस ATAG हमने ये फाइंड आउट किए थे 5067.493 ठीक है। बस ये दोनों को हमें ऐड करना है, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 6334, हम लिखेंगे 6334 पॉइंट, पॉइंट है 366, तो ये हम लिख लेंगे 366। इस तरह से ये हमने टोटल 80 फाइंड आउट कर लिए। लेकिन ये टोटल 80 फाइंड आउट करने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने आपको कहा था कोई भी मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम जो कि विथ एयर गैप हो उसमें आपको फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व करना है, एक फिक्स फॉर्मेट 80 फॉर मटेरियल, 80 फॉर एयर गैप और टोटल 80, ये फिक्स फॉर्मेट है। और इसके अंदर जो तीन स्टेप्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद ही वो प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मेट तो कंप्लीट कर लिया है, 80 फॉर मटेरियल भी हो गया, 80 फॉर एयर गैप भी हो गया, टोटल 80 भी हो गया, फिक्स फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है अब उसके तरफ ध्यान दो। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न एन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब ऐसे में क्या करना है, ये जो टोटल 80 है, टोटल 80, टोटल 80 यानी लेफ्ट साइड में, ये देखो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में यहां पे लिखा है टोटल 80, तो यहां पे इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे n इंटू आई, क्योंकि टोटल 80 यानी n इंटू आई भी होता है, ठीक है। 80 के दो तीन फार्मूले आप लिख सकते हैं, 80 का फार्मूला h इंटू l ये भी होता है, 80 का फार्मूला n इंटू आई ये भी होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे लेफ्ट साइड में n इंटू आई लिख लिए, और अब i की वैल्यू हमें पता है, देखो 2 एम्पियर गिवन डाटा से हमने यहां पे लिख लेंगे, तो ये हम लिख लेंगे n इंटू आई की वैल्यू 2। और अब बस ये क्या करना है, 2 जो यहां मल्टीप्लीकेशन में है यहां पे राइट साइड में लेके जाओ तो ये डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है। और यहां पे हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, देयरफॉर n इक्वल्स टू 6334.366 डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं यहां पे इसको 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या होता है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 3167.183 और इसका यूनिट रहेगा टर्न्स, क्योंकि यहां पे आप नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मैग्नेटिक सर्किट, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 25। इसके पहले जो हमने इसके 24 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।